एमडीआई वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे, हुकूमत को मजबूत करने के लिए अकबर बादशाह ने सबसे पहले कौन सा काम अंजाम दिया। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, मुगलिया हुकूमत ने हिंदुस्तान पर 300 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। यह हिंदुस्तान की अब तक की सबसे पावरफुल हुकूमत हुई है। इस हुकूमत के कई बादशाह हुए, उन सब में सबसे ज़्यादा अकलमंद और होशियार बादशाह जो हुआ है वह है अकबर बादशाह। 1556 ईस्वी में जब अकबर बादशाह के हाथ में हुकूमत की बागडोर आई तो उसने हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जिस काम को अंजाम दिया था कि जो सूबे यानी स्टेट्स अपनी अपनी आज़ाद हुकूमत कायम किए हुए थे, मुगलिया हुकूमत के ताबे होकर उसको अपनी हुकूमत नहीं मान रहे थे, ऐसे सूबों को अकबर बादशाह ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनको दिल्ली के ताबे किया और मुगलिया हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने पर मजबूर किया, जिससे मुगलिया हुकूमत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई और जो लोग उसके खिलाफ थे वो भी उसके अपने हो गए। तो नाजरीन, ये वो कारनामा था जो अकबर बादशाह ने बादशाह बनने के बाद सबसे पहले अंजाम दिया। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड जरूर देखा कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।